हाँ जी बच्चों, अब पेज नंबर 93 निकालो। पेज नंबर 93 पे क्वेश्चन नंबर 59 है, जो एज होमवर्क आप करेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पेज नंबर 93 निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 59। और क्वेश्चन निकालने के बाद ही वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। कौन सी रेशियो है ये? ओल्ड। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट जेड एज पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। जेड का शेयर 1/5 है। अगर इसमें आपको शेयर निकालना पड़े तो जेड का 1/5, तो रिमेनिंग 4/5। इस 4/5 को एक्स और वाई कौन से अनुपात मिलेंगे? 3:2। तो जेड को मतलब इसी इसी रेशो से ही न्यू रेशो निकाल रहे हैं। तो ओल्ड रेशो क्या है इस क्वेश्चन में? 3:2। और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? 3:2। वही रेशो है जिस रेशो में जेड को उसका शेयर देंगे एक्स और वाई। अब आगे की बात करते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये। ऑन दैट डेट देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ 1,50,000 इन जनरल रिजर्व। आपको पता है जनरल रिजर्व की एंट्री, फटाफट बताइए क्या होती है जनरल रिजर्व की एंट्री? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। हु आर दी ओल्ड पार्टनर्स? एक्स एंड वाई। नेक्स्ट, एंड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000। जरा देखिए बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस, एसेट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। इसका मतलब एसेट साइड में है, डेबिट बैलेंस है। मैंने बताया था अकाउंटेंसी में किसी भी चीज़ को समाप्त करना है तो डेबिट का क्या कर देंगे आप? उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। आपको दोनों जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 60, 60, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, 1 मिनट, इन द रेशियो 2:1। जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन दैट डेट वा 2:1। बताइए 2:1 ओल्ड शेयर है, जेड का शेयर 1/3। किस अनुपात में जेड को शेयर देंगे वो? 2:1 में ही। तो ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 2:1 में। सो व्हाट इज द ओल्ड रेशियो इन दिस क्वेश्चन? 2:1। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 2:1। रट जाना चाहिए। ऑन दैट डेट द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई शोड द जनरल रिजर्व ऑफ 2.5 लाख। क्या करेंगे? जनरल रिजर्व की एंट्री बोलिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स एंड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L। पिछले वाले क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस था तो आपने उसको समाप्त करना था तो क्रेडिट कर दिया था। अब क्रेडिट बैलेंस है, एंट्री क्या हो जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसका सोल्यूशन आप मुझे करके सेंड करेंगे। दिस इज योर असाइनमेंट, यू डोंट हैव टू डू इट राइट नाउ, अभी नहीं करना है आपको, जस्ट हैव टू डिस्कस इट विद मी। आगे चलते हैं बच्चों, पेज नंबर 91 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 61। आपके पास किताब है, आपको वीडियो की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, बहुत ब्लर आ रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छे से, बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, मेरे पास ये बुक अवेलेबल नहीं है। 61 का ए पार्ट, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। कितने पार्टनर्स हैं? तीन हैं। ये ओल्ड रेशियो है। दे एडमिट डब्ल्यू एस पार्टनर, चौथा पार्टनर आ रहा है डब्ल्यू फॉर 1/6 शेयर। डब्ल्यू का शेयर 1/6, रिमेनिंग शेयर 5/6। इस 5/6 को एक्स और वाई आपस में, एक्स वाई जेड आपस में किस रेशियो में बांटेंगे? 5:3:2 में। कैन यू टेल मी द ओल्ड रेशियो इन दिस क्वेश्चन? 5:3:2। एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 5:3:2। वेरी गुड, ये आपको याद रखना है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट, उसने आपको बताया है। ये देखो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखा है, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व दिया होगा। जो जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट है सेम कॉन्टिंजेंसी रिजर्व का भी वही ट्रीटमेंट करना है। जनरल रिजर्व की एंट्री बोलो, जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स। अब ये दिमाग में ही मत बिठा लेना, ओल्ड पार्टनर्स तो दो ही होते थे, अभी तक चार ही सवाल करे हैं बेटे हमने, उनमें दो हैं, लेकिन पार्टनर्स तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ पार्टनर्स अप टू अ मैक्सिमम ऑफ, बताना मुझे नेक्स्ट क्लास में। ए एंड बी आर पार्टनर्स, सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि 2x2y2z। ऐसे ही कॉन्टिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि 2x2y2z। सेम P&L का भी यही। और बच्चों ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है यहाँ पर एसेट साइड में, इसका भी सेम ट्रीटमेंट जो गुडविल का ट्रीटमेंट करते हो, गुडविल को गोली मारने की एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल अकाउंट, सेम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की भी वही एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? हाँ, पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ए पार्ट में तो यही करना है आपको,
एक एंट्री जनरल रिजर्व की, नंबर दो कॉन्टिजेंसी की, नंबर थ्री पीएनडल की और नंबर फोर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अभी अभी बताया था मैंने आपको 5:3:2। चलिए कम टू क्वेश्चन बी पार्ट, इसके बी पार्ट की तरफ आते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। 4:3 इनकी ओल्ड रेशियो है। दे एडमिट सी एज न्यू पार्टनर, सी नया पार्टनर आया है। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी शोज अ जनरल रिजर्व ऑफ 84,000। जनरल रिजर्व 84,000, एंट्री बोलो फटाफट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कौन कौन है ओल्ड पार्टनर्स, ए और बी, दोनों में ट्रांसफर हो गया। एंड अ डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल, डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल है, खत्म करना है, क्या कर देंगे इसको, पी एंड एल को क्रेडिट कर देंगे। सो द एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। बी पार्ट कर लेंगे आप इसका, 64 का ए, 61 का ए और बी। देखिए बच्चों 61 के ये दो ही पार्ट्स करने हैं आपको, ए और बी। अब क्वेश्चन नंबर 64 पर आइए, पेज नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 64, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। बेटा किताब में है क्वेश्चन, वहां से देख सकते हैं, बोर्ड पे जरूरी नहीं है, इसमें आपको दिखाई दे रहा हो बहुत अच्छे से। लायबिलिटी में कैपिटल दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, एसेट में बिल्डिंग दे रखी है, प्लांट दे रखी है, स्टॉक, डेटर्स, कैश। फिर वो कहता है सी नया पार्टनर आ गया, ओल्ड रेशो की क्या है 2:1। चलो देखते हैं, दे एडमिट सी, सी वॉज टू ब्रिंग रुपीज 7,500 एज कैपिटल, 7,500 कैपिटल लेकर आया है एंड 3,000 एज गुडविल फॉर उसका शेयर। गुडविल नहीं बेटे, प्रीमियम फॉर गुडविल है, खुद गलत तरीके से लिखा है। तो कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री सबको आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। लाते ही प्रीमियम का आते ही अगली एंट्री, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। कुछ नहीं लिखा है, वही ओल्ड वही सैक्रिफाइसिंग। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो इन दिस क्वेश्चन, ए इज टू बी की 2:1। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। क्वेश्चन शुरू करते ही सबसे पहले ओल्ड सैक्रिफाइसिंग और नए पार्टनर का शेयर लिख लिया करो। तो पहला काम ओल्ड न्यू और सैक्रिफाइसिंग लिखना। हर क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालना जरूरी नहीं होता है, खाली स्थान छोड़ दीजिएगा। सेकंड पॉइंट, बैलेंस शीट को क्लीन करना। बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए बताया था जनरल रिजर्व, पी एंड एल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, गुडविल, कुछ भी नहीं है बैलेंस शीट में, द बैलेंस शीट इज ऑलरेडी क्लीन। ओके क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी reduced by में वही का वही अमाउंट, और एसेट कम हो रही है, एसेट की कीमत घट रही है तो नुकसान। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है हमें शक है कि इतने डेटर्स हमें पैसा नहीं देंगे, नुकसान है, टू प्रोविजन 375। बिल्डिंग टू बी appreciated by, बिल्डिंग को appreciate करना है, बढ़ाना है, फ़ायदा हो रहा है क्रेडिट साइड में। तो क्वेश्चन नंबर 64 आप करके देंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपका क्या क्या असाइनमेंट है।